हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिलॉसफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस फिलॉसफी सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है, इंडियन फिलॉसफी क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, और इंडिया में अर्थात इंडियन दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में कितने प्रकार के दर्शन हैं, इन पर मैं आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम फिलॉसफी की बात करते हैं। देखिए, फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी करेक्ट डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं हर व्यक्ति की अलग अलग फिलॉसफी होती है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फिलॉसफी की डेफिनेशन हो जाती है। तो वन डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी वन। फिलॉसफी की एक डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। सबसे पहले हम फिलॉसफी को वेस्टर्न अर्थात जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके आधार पर डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिखा है फिलॉसफी। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो ये फिलॉसफी शब्द हमारा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक शब्द है फिलो, दूसरा शब्द है सोफिया। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। पहला है फिलो, दूसरा है सोफिया। फिलो का मतलब क्या होता है? फिलो का मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। ओके, तो फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। सो लव फॉर नॉलेज इट इज कॉल्ड फिलॉसफी। कुछ फिलॉसफर्स सोफिया को विजडम के लिए भी रिफर करते हैं, विजडम भी इससे रिफर करते हैं। उनका ये मानना है कि लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी या लव फॉर नॉलेज इज कॉल्ड फिलॉसफी। ये हमारी वेस्टर्न डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी के बारे में। इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन फिलॉसफी में फिलॉसफी को हम दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन। ओके, दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, दैट इज योर फिलॉसफी। इन फैक्ट इन इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी मींस दर्शन, दर्शन इट इज ए टाइप ऑफ मींस बाय विच यू सी द थिंग्स। हाउ यू सी द थिंग दैट इज योर फिलॉसफी। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, आप गॉड को कैसे देखते हैं, नेचर को कैसे देखते हैं, इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, लाइफ को कैसे देखते हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे देखते हैं, वो आपकी फिलॉसफी होती है। अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो जो इंडियन फिलॉसफी है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाती है हमारी आस्तिक दर्शन, एक कहलाती है नास्तिक दर्शन। यहाँ आस्तिक और नास्तिक से हमारा मतलब ये नहीं है कि जो भगवान में विश्वास करते हैं वो आस्तिक और जो भगवान में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक, यहाँ ये मतलब नहीं है। यहाँ आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन से ये मतलब है कि वो दर्शन
जो वेदों की टेस्टिमनी यानी वेदों में जो चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं उनको मानते हैं या वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास करते हैं, वो हमारा आस्तिक दर्शन हो जाता है। और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं वो हमारा नास्तिक दर्शन होता है। अगर हम आस्तिक दर्शन की बात करें तो आस्तिक दर्शन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो वेदों पर आधारित हैं, एक वो जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, वन आर दोस विच आर बेस्ड ऑन वेदास, अनादर्स आर दोस विच हैव फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो दर्शन जो वेदों पर आधारित है ये हमारे दो हैं, एक हमारा है मीमांसा, एक हमारा है वेदांता। और वो दर्शन जिनका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो वेदों पर आधारित नहीं है, जो वेदों पर डिपेंड नहीं है, वो हमारे मुख्य रूप से चार दर्शन होते हैं। एक हमारा सांख्य दर्शन, दूसरा हमारा न्याय दर्शन, तीसरा हमारा योग दर्शन, चौथा हमारा वैशेषिका दर्शन। अब हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। तो जो नास्तिक दर्शन है, जो वेदों की प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं करते, जो वेदों की टेस्टिमनी पर भरोसा नहीं करते, तो जो नास्तिक दर्शन है उसमें मुख्य रूप से हमारे तीन दर्शन आते हैं। एक हमारा चार्वाक दर्शन है, दूसरा हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म, यानी चार्वाक जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये जो हैं हमारे नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको फिलॉसफी की डेफिनेशन बताई और जो फिलॉसफी है उसका एक प्रकार से क्लासिफिकेशन बताया। अब अगले वीडियो में हम इन्हीं दर्शन को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें किसने स्टार्ट किया, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, वो हम एक एक दर्शन को हम वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। और इनसे संबंधित काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। थैंक्स।